ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनको इंतज़ार बिहार बोर्ड के टेंथ रिज़ल्ट का था यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आज अनाउंस कर दिया गया है तो जैसा कि हर साल की तरह रिज़ल्ट देखने में स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इस बार भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मीन्स के बच्चों को अपना रिज़ल्ट नहीं पता चल पाता है वो पास है या फेल है या फिर उनसे उन्हें डिवीज़न कौन सा मिला है या फिर उन्हें कितने मार्क्स आए हैं अब तक के रिज़ल्ट जारी किए हुए कम से कम चार से पाँच घंटे हो गए लेकिन अब तक अभी तक भी स्टूडेंट्स को उनका स्पेसिफ़िक मार्क्स नहीं शो कर पा रहा है कुछ ही ऐसे गिने चुने तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम इन रिजल्ट को देख पाते हैं तो आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि किस तरीके से आप फुल मार्क्स आप अपना देख पाएंगे बिल्कुल एकदम लाइव आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फुल मार्क्स कैसे आप देखेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में गूगल जो है वो ओपन कर सकते हैं या फिर क्रोम मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर रहा हूँ जब भी आप अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करेंगे कुछ इस तरह से सर्फेस होगा या फिर ऑलरेडी अगर कोई टैब खुला हुआ होगा तो आपको उसके लिए यहाँ पे ये यह जो नंबर दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा या प्लस वाला जो मार्क्स दिख रहा है इसमें आप ओपन करेंगे तो न्यू टैब आ जाएगा मैं यहाँ पे जैसे न्यू टैब ओपन कर लिया लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान देखे ऊपर यहाँ जो सर्किल है यहाँ जो थ्री डॉट है उस पर क्लिक करके आप ये डेस्कटॉप साइट है डेस्कटॉप मोड ये ओपन कर लीजिए क्योंकि मोबाइल मोड में आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मार्क्स है वो मार्क्स आपको नहीं दिखा पा रहा है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में हिंदी में उर्दू में साइंस में सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए हैं यह आपको नहीं दिखा रहा है। आप ये अगर डेस्कटॉप मोड करेंगे तभी दिखेगा तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप मोड ओपन कर रहा हूं अब मेरे पास ये पेज ओपन हो गया अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है आपको लिखना है जो कि मैं यहाँ आपको टाइप करके बता रहा हूँ क्या ऊपर आप देखिए आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखना है क्या ऑनलाइन एस बी आई डॉट इन मैं ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ आप वहाँ से भी टाइप करके आप अपना रिज़ल्ट देख लेंगे बिल्कुल स्पेसिफ़िक रिज़ल्ट आपके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स दिखाएगा ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि आप पास है या फेल है या कौन सा डिवीज़न फर्स्ट या सेकेंड थर्ड है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लिया अब देखिए मैं इसे एंटर करता हूँ ओके करता हूँ तो हमारे पास ये पेज ओपन हो गया कौन ये इस तरह का हमें शो कर रहा है इसमें ऑप्शन क्या क्या है मेम्बर लॉग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर सिक्योरिटी एंड आर और यहाँ पर एनुअल सेकेंडरी एग्ज़ाम दो रिज़ल्ट तो एनुअल सेकेंडरी एग्ज़ाम बीस दो इस रिज़ल्ट हमें क्लिक करना है दूसरे पे नहीं तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए अब क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या ओपन हो रहा है ये हमारे पास अब कुछ इस तरह का ये सरफेस ओपन हो गया इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ दो ऑप्शन आए एक ऑप्शन आया रोल कोड का और दूसरा रोल नंबर का तो आपको रोल कोड की जगह रोल कोड डालना है जो कि फाइव डिजिट का होगा और रोल नंबर की जगह रोल नंबर डालना है जो कि उससे ज़्यादा होगा मैं यहाँ पे आपको एक डाल करके दिखा रहा हूँ क्या रोल कोड की जगह मैं डाल दिया डबल फाइव ज़ीरो टू एट और उसके नीचे जस्ट आके रोल नंबर तो रोल नंबर के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ये रो रोल नंबर हो गया आप इस बात को ध्यान रखिए जो रोल कोड होगा वो फाइव डिजिट होगा आपके एडमिट कार्ड पर यह होगा और ये जो रोल नंबर होगा वो ये है आपके सामने अब इसके बाद आपको गेट रिज़ल्ट क्लिक करना है किस पे ये जो गेट रिज़ल्ट है गेट रिज़ल्ट इसी पे ओपन करना है गेट रिज़ल्ट लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम आ गया आपको क्या कि ये इरर दिखा रहा है क्या हो रहा है इरर अगर आपके स्क्रीन पर ये सर्फेस दिखाए रेड कलर का इरर दिखाए तो आपको उससे घबराना नहीं है परेशान नहीं होना है क्योंकि साइड बहुत ओवर लोड होने की वजह से इस तरह का दिखा रहा है आपको अगेन अगेन ट्राई करते रहना है बार बार आपको ये गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे गेट रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेंडिंग शो करेगा लोडिंग दिखाएगा लोडिंग दिखाएगा पेंडिंग शो करेगा आपको घबराना नहीं है एक दो मिनट तक वेट करना है बट जब भी यहाँ पे गेट रिज़ल्ट का ऑप्शन है आप गेट रिजल्ट पे ओपन करेंगे इस तरह से आप देखिए मैंने थोड़ा सा वेट किया थोड़ा वेट करने के बाद मुझे ये फाइनल रिज़ल्ट दिख गया ये रिज़ल्ट मुझे अब क्या है ये जो नेम है कैंडिडेट नेम है फिर उसके बाद उसके जो स्कूल्स का नेम है और फिर डिवीज़न या मार्क्स इस तरह से ये पूरे एब्सोल्यूट मार्क्स हमें दिखा रहा है जैसे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं तो इसके पूरे मार्क्स दिखा गए ये किस सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स आए हैं अब आपको क्या करना है इसे प्रिंट कर लेना है जब आप प्रिंट कर लेंगे तो पूरा शो करेगा ये प्रिंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस प्रिंट पर क्लिक करें जैसे ही प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा क्या होगा पीडीएफ फॉर्मेट में अगर ये दो पेज में हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है यहाँ दो पेज में हो गया आपको क्या करना है बस दोनों को डाउनलोड कर लेना है क्योंकि यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर यह शो कर रहा है कि किस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितने मार्क्स आए हैं बिल्कुल आपका एक सही और करेक्ट एग्जांपल है एकदम सही फार्मूले के तहत तो आपको मैंने ये बताया है आपका ये हंड्रेड परसेंट काम करेगा आप बिल्कुल परेशान नहीं हो जस्ट मैंने जो आपको तरीका बताया जो प्रोसेस बनाया उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप रिज़ल्ट चेक करें बिल्कुल अगर किसी तरह का फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं उसका रिप्लाई करूंगा मैं इसको यहाँ पे पीडीएफ डी ओपन करके सो पी डी पे क्लिक करके अब जिस नाम से जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के नाम से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये जो बी एस ए भी स्कूल एग्जामिनेशन इस नाम से ये फेल ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव हुआ है मैं इसी नाम से इसे सेव कर लिया अब अपने फिर उसके बाद फाइल में जा कर के इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं बिल्कुल एकदम आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है तो इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं शुक्रिया अल्लाह हाफिज़